हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्सटाइल 2020। और आज मैं आपके लिए फैब्रिक डिज़ाइन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है बैक्ड फैब्रिक्स। इस टॉपिक के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि बैक फैब्रिक्स क्या होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन दें, कितने टाइप्स के बैक फैब्रिक हम यूज़ कर सकते हैं, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसका प्रिंसिपल क्या है कंस्ट्रक्शन का, कैसे हम, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वार्प और वेफ्ट बैक फैब्रिक में डिफरेंस कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले वार्प बैक फैब्रिक के अंदर हमें दो बीम की जरूरत पड़ती है और ड्रॉप बॉक्स की जरूरत नहीं होती। दो बीम की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि फेस वार्प के लिए अलग बीम लेनी पड़ती है और बैक वार्प के लिए अलग बीम लेनी पड़ती है, इसलिए हमें दो बीम की जरूरत पड़ती है। वेफ्ट हमारा सिंगल होता है इसलिए किसी भी ड्रॉप बॉक्स की जरूरत नहीं है। जबकि वेफ्ट बैक के अंदर दो वेफ्ट चलते हैं हमारे, एक फेस वेफ्ट और एक बैक वेफ्ट, तो इसलिए हमें 2x1 ड्रॉप बॉक्स की जरूरत पड़ती है, जबकि सिंगल वार्प होने की वजह से सिर्फ एक ही वार्प बीम की जरूरत पड़ती है। सेकेंड डिफरेंस है चीपर टू प्रोड्यूस लेस पिक पर सेंटीमीटर। वार बैक फैब्रिक के अंदर पिक्स पर सेंटीमीटर कम होती हैं, जिसकी वजह से इसको प्रोड्यूस करने में कम खर्चा आता है, जबकि वेफ्ट बैक फैब्रिक के अंदर पिक्स पर सेंटीमीटर ज्यादा होती हैं, इसलिए इसे प्रोड्यूस करने में ज्यादा कॉस्ट आता है, ये हमें कॉस्टली पड़ता है एज कंपेयर टू वार बैक फैब्रिक। पिक पर सेंटीमीटर इसके अंदर ज्यादा होती है इसलिए वेफ्ट का कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, और इसके अंदर पिक्स पर सेंटीमीटर कम होती है तो रिड्यूस हो जाता है कॉस्ट। थर्ड डिफरेंस है सॉलिड फॉर्मेशन कैन बी गिवन। हम वार्प बैक फैब्रिक के अंदर सॉलिड फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जो हम बैक फैब्रिक यूज करते हैं उसके अंदर हम स्ट्राइप इफेक्ट डाल के बैक फैब्रिक को स्ट्रोंग बना सकते हैं, जिससे फेस फैब्रिक को ऑटोमेटिकली ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे सॉलिड फॉर्मेशन प्रोड्यूस की जा सकती है। जबकि वेफ्ट बैक फैब्रिक में सॉलिड फॉर्मेशन प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि हम इसके अंदर दो वेफ्ट ले रहे हैं जिसमें स्ट्राइप इफेक्ट डालना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ कम होती है और इसको सॉलिड फॉर्मेशन देना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई स्ट्रेंथ वार्प वाइज। जो वार्प बैक फैब्रिक होते हैं उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वेफ्ट बैक फैब्रिक, क्योंकि वेफ्ट जो होता है उसके अंदर ट्विस्ट कम होता है, वार्प के अंदर ट्विस्ट ज्यादा रखना पड़ता है क्योंकि वार्प के अंदर स्ट्रेन ज्यादा आता है। जब वीविंग होती है तो वार्प यार्न को शेड ओपनिंग होती है, शेड ओपन होता है, क्लोज होता है, जिससे वार्प यार्न पे स्ट्रेन पड़ता है, तो वार्प यार्न कम ब्रेक हो इसके लिए हम वार्प यार्न को ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं, और ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए ट्विस्ट ज्यादा देना पड़ता है। तो इसलिए वार्प बैक फैब्रिक में ज्यादा ट्विस्ट होने की वजह से वार्प यार्न में उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और इसके अंदर वेफ्ट बैक फैब्रिक में वेफ्ट ज्यादा होते हैं, वार्प कम होते हैं, तो वार्प वाइज स्ट्रेंथ वेफ्ट बैक फैब्रिक की वार्प वाइज स्ट्रेंथ कम होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है सुपीरियर फ्रॉम स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी वार्प बैक फैब्रिक सुपीरियर होते हैं, क्योंकि वार्प की यार्न की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उसके अंदर हमने सॉलिड फॉर्मेशन दे दी और जो है स्ट्राइप इफेक्ट हमने प्रोड्यूस कर दिया, जिससे उसका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सुपीरियर होता है। जबकि स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वेफ्ट बैक फैब्रिक इंफीरियर होते हैं, सबसे लोएस्ट क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि उसके अंदर वेफ्ट ज्यादा होते हैं, वेफ्ट के अंदर ट्विस्ट कम होता है, ट्विस्ट कम होने की वजह से स्ट्रेंथ कम होती है, वो फैब्रिक जल्दी ही खराब हो जाता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है, इसलिए स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वेफ्ट बैक फैब्रिक इंफीरियर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लो क्वालिटी यार्न कैन नॉट बी यूज्ड। हम वार्प बैक फैब्रिक के अंदर बैक फैब्रिक को बनाने के लिए लो क्वालिटी यार्न का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दो बीम हम यूज करते हैं, एक बीम में बैक यार्न होते हैं, एक बीम में फेस यार्न होते हैं, तो अगर हम लो क्वालिटी के बैक यार्न यूज करेंगे तो उसके अंदर ब्रेकेज के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लो क्वालिटी यार्न वो होते हैं जो छोटे फाइबर से बनते हैं, और जितना छोटा फाइबर होता है उसके अंदर हम उतना ही कम ट्विस्ट डाल सकते हैं, जितना लॉन्ग फाइबर होगा उसके अंदर हम ज्यादा ट्विस्ट दे सकते हैं, जितना ज्यादा ट्विस्ट होता है यार्न के अंदर उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है,
तो अगर हम लो क्वालिटी का यार्न यूज करें तो मतलब उसमें ट्विस्ट कम है, उसकी स्ट्रेंथ कम है, जितनी स्ट्रेंथ कम होगी उतना ज्यादा ब्रेकेज होगा, बार बार ब्रेकेज होने की वजह से फैब्रिक में डिफेक्ट ज्यादा आते हैं, इसलिए हम लो क्वालिटी के बार के यार्न बार बैक फैब्रिक के अंदर यूज नहीं कर सकते। लेकिन वेफ्ट के अंदर हम लो क्वालिटी के बैक फैब्रिक के लिए हम लो क्वालिटी के वेफ्ट यार्न यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि लो क्वालिटी यार्न वो होते हैं जिनके अंदर ट्विस्ट कम होता है, और वेफ्ट के अंदर हम जानते हैं कि ज्यादा ट्विस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वेफ्ट के अंदर ज्यादा स्ट्रेन नहीं आता, वेफ्ट को कोई शेड बनाना नहीं होता। बार प्यान को शेड बनाने के लिए स्ट्रेन आता है बार प्यान के अंदर, बैक बीम से जब बार प्यान आते हैं तब उनके अंदर स्ट्रेन आता है, तो शेडिंग की वजह से बार प्यान में स्ट्रेन आता है, जबकि वेफ्ट यार्न शेडिंग में कोई काम नहीं करता, वेफ्ट यार्न से कोई शेड नहीं बनता। तो हम कम ट्विस्टेड यार्न यूज कर सकते हैं, कम ट्विस्ट का यार्न यूज कर सकते हैं जो लो क्वालिटी यार्न होता है। तो बैकिंग फैब्रिक के लिए हम लो क्वालिटी का यार्न यूज कर सकते हैं, जिससे इसका कॉस्ट भी कम हो जाता है। ड्रॉइंग इन इज कॉस्टली बिकॉज मोर नंबर ऑफ एंड्स। अब हम जानते हैं कि वार बैक फैब्रिक के अंदर जितने फेस के यार्न होते हैं उतने ही बैक के यार्न होते हैं, अगर चार फेस के हैं तो चार बैक के हैं, तो 8 वार्प यार्न हो गए। ऐसे ही अगर मान लो 4,000 धागों का हमने एक बीम लिया है, या हम एक डिजाइन लिया है जिसमें 4,000 धागे हैं, तो 2,000 धागे हमें वार्प के लेने पड़ेंगे, 2,000 धागे हमें बैक वार्प के लेने पड़ेंगे, फेस वार्प के 2,000, बैक वार्प के 2,000। तो वार्प यार्न की संख्या ज्यादा होने की वजह से ड्रॉइंग इन हमें कॉस्टली पड़ती है वार्प बैक फैब्रिक की, जबकि इसकी ड्रॉइंग इन चीपर पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर वेफ्ट की संख्या ज्यादा होती है। वेफ्ट बैक फैब्रिक में 2 सीरीज वेफ्ट की होती है, सिंगल सीरीज वार्प की होती है। तो हमारा डिजाइन में अगर 4 वार्प हैं और 8 वेफ्ट हैं, 4 वेफ्ट फेस के, 4 वेफ्ट बैक के, लेकिन वेफ्ट की संख्या ज्यादा है, वार्प की संख्या कम है, तो ड्रॉइंग इन हमें कॉस्टली नहीं पड़ती है, चीपर पड़ती है, सस्ती पड़ती है। लेस्ट सॉफ्टर कंपेयर टू वेफ्ट बैक फैब्रिक। जो वार बैक फैब्रिक होता है वो कम सॉफ्ट होता है, क्योंकि वार प्यान के अंदर ट्विस्ट ज्यादा रखना पड़ता है हाई स्ट्रेंथ देने के लिए, ब्रेकेज को रिड्यूस करने के लिए। तो ट्विस्ट ज्यादा होने की वजह से यार्न थोड़ा हार्ड हो जाता है, जबकि वेफ्ट के अंदर ट्विस्ट कम होता है, जिससे वो फैब्रिक सॉफ्ट होता है, लॉफ्टी होता है, फुल आउट वाला होता है। तो इसलिए वेफ्ट बैक फैब्रिक सॉफ्टर होता है, वार बैक फैब्रिक हार्डर होता है एज कंपेयर टू वेफ्ट बैक फैब्रिक। ये फैब्रिक कॉस्टली पड़ता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे वार बैक और वेफ्ट बैक फैब्रिक के। आई होप आपको ये डिफरेंसेस और ये भी समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वेडिड वार बैक फैब्रिक और वेडिड वेफ्ट बैक फैब्रिक हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे रिलेटेड रिटर्न कंटेंट लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट textilehelp.org विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।